पिताजी का नाम पूरन चंद कनौजिया। कौन? पूरन चंद कनौजिया। पूरन चंद कनौजिया प्रॉपर एड्रेस बोल दिया। ब्लॉक डी टू हाउस नंबर 223 रोनी सेक्टर 20। रोनी सेक्टर 20। चलो माधुरी पूजा कौन करता है घर में? मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो? ये तो झंडे वाले मंदिर कौन गया था? मम्मी गई थी काफी टाइम। आपकी माता जी गई जी। ये तो शंकर जी पे कौन जाता था? जी शंकर जी पे ये मैं जाता हूँ। आप जाते जी। एक टांग में परेशानी किसको है? मेरे ही। आपको नाम? ये बेचैनी घबराहट किसको जाती है? मुझे ही हो रही। सांस में परेशानी किसको होती है? आपको होती है। मस्तिष्क पे खिंचावट किसको होता है? ऐसे तो चल रहा है। मम्मी को? हाँ बेटा। घर में वस्त्र किसके उठे थे? शायद भाभी के। चलो सिर वाइब्रेट किसका होता है? आपका होता है। पहले किसी दरबार गए हो? नहीं। तो दरबार में कौन गया तुम्हारे? पता नहीं, याद नहीं है मेरे को उतना। काल के जाने की कौन सोच रहा था? काल के? हाँ मंदिर मन। हाँ बेटा मंदिर जाएगा। नहीं, मैं तो गुड़गांव जाने की सोच रहा था। वो काम शाणी पे? हाँ जी, मसानी माता पे और वहाँ पे शीतला माता पे। कुल देवी ना पड़ी वो तो है। कालका जी का किसने सोचा था? कालका जी का रहा है। लेडीज दिख रहे हैं मेरे सामने। शरीर में कम हाइट किसके घर में? कम हाइट? हाँ मम्मी है। शरीर में ठीक है? हाँ अपनी माता जी से पूछना, उनके मन में विचार आया था। अच्छा हाँ मम्मी बोलती बेटा तुम्हारे घर पे कलश चलवाया हुआ है। अच्छा ठीक है। पीरों की मान्यता कौन करता था? वो पापा। पापा करते आपके? चिराग किसने लगाया था भाई? पापा नहीं कर रहा था। आपके पिताजी ने? हाँ मम्मी चलिए बोलो साँचे दरबार की जय। यहाँ परेशानी किसको होती है? मम्मी को। आपकी माता जी को? हाँ हाँ चलिए। और ये हाथ पैर किसके मुड़ते हैं? डांट हो जाता है। सबसे पहले तो आप गुड़गांव जाके आओ, वहां नारे चुन्नी की भेड़ चढ़ा के आओ मां को। दूसरा काम आपको एक बार करना है कि आप वृंदावन जाके आओ, वहां गोवर्धन की प्रतिमा करके आओ। पॉसिबल है? कर लूंगा कर लूंगा करूंगा उसमें पर कभी। गुरु जी ऐसा है ना, वो डॉक्टर अभी तो देखो किस तरह की मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर को, वो कहते हैं जब एक्सरे होगा उसके बाद ही बताएंगे क्या करना है। मगर मैंने तो माता रानी के हवाले छोड़ दिया, मैं तो पूरा वजन देके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब तक वहां से डॉक्टर की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हरी झंडी चाहिए आपको? जी ठीक है। डॉक्टर तो फ्री कर दे, कम से कम एक साल हो गए गुरु जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, घर पड़ा हूँ मैं, नकाम में कंधा हूँ। मतलब बात क्या है, जो नेगेटिविटी है उसने आप घेर लिया है। अच्छा उसी की बात जो तुम्हारे पीरों की मान्यता थी, पीर रोस्ट खड़े ठीक है, और जब तक ये नहीं बनेगी ये तुम्हारे साथ आए थे, समझ लो मेरी बात। अच्छा ये तुम्हारे साथ आए थे और जब तक ये प्रॉपरली पूर्ण रूप से नहीं बनेगी तब तक परेशानी होगी। फिर दूसरे ऊपर ये मशान की क्रिया चलवाई, मशान समझ रहे हो? मशान की क्रिया चलवाई हुई आपको ऐसा लगे कि आपको वीकनेस महसूस होगी और कमजोरी, ठीक है, और आधी बार ऐसा महसूस होता जैसे कि मेरे कालेज में पेट में कुछ चीज है। कभी टांगों में जाए, कभी शरीर में जाए, कभी बॉडी में, कहीं ना कहीं वो अपना कर्म करती रहती है, समझ गए मेरी बात। उसका ही कर्म चला और उसने तीन व्यक्ति को पकड़ा हुआ आपके कर्म से, समझ गए मेरी बात। बोलो जय माता। और ये शुक्र मनाओ कि आप बच गए एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट हुआ था आप बच गए, इस चीज का शुक्र मनाओ। आपकी दो पूजा जो भी थी वो आगे काम आई है, ठीक है। बोलो जय माता। अन्यथा आपका कोई बचाव का कोई वो था ही नहीं। बोलो साक्षी दरबार की जय। एक तो एक काम करना है गुड़गांव जाके आओ, द्वितीय काम आपको क्या करना है, बाबा गोरखनाथ जी की 11 दिन की अखंड ज्योत लगानी है जिसकी की आप 5 आटे की पेड़िया गौ माता को देनी है, 1 रोटी आपको कुत्ते को देनी है, छत पे
पानी पक्षियों का और उनका जो भी खाने का आप डालोगे अपने संसार वो डाल देना। 12 बार 40 साल गोरख की शुद्ध, 12 बार 40 साल गोरख की श्याम, ठीक है। ये नित्य कर्म करना है, माँ भगवती कृपा करेगी, ये कर्म करके फिर आप दरबार में।